गुरुदेव को वंदन। वाहिगुरु मुख माहे चारी बहजोड़ तरु चरना पर जाऊ सदा गुरु को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की गुरमूर्त त्या हृदय मैं तारी। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब सेवक सरण गई दरबारी। युग युग टल चवर शतर तखत मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच बहुत ही पवित्र आत्मा महामंडलेश्वर श्री महंत महंत ज्ञान देव सिंह जी महाराज ते होर जिन्हिया भी निर्मल आत्मा स्टेज पर बैठिया ने दास दी सारे नमस्कार है। बाकी जिनी सत्कारयोग साध संगत सारे दास दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरवर तरवर संत जन चौथा बाद में पर पुकार के कारने चारों तारी दे। सतपुरशां दी याद भी तुसी जुड़ के बैठे हो। सरोवर का पानी अपने वास्ते नहीं हुंदा, ब्रिशां दे फल अपने वास्ते नहीं हुंदे, ते साधु जनां दी जिहड़ी कमाई हुंदी है अपने वास्ते नहीं हुंदी, केवल ते केवल संसार दे भले वास्ते ही महापुरश आउंदे ने। उहनां दा सारा जीवन संसार दे भले वास्ते समर्पित हुंदा। जिन्हां पुरशां नूं महापुरशां दी संगत मिल जांदी आ, गुरबाणी उन्हां बारे सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखदे आ, जिनको साधु भेटीए सो दरगह होए खलास। जिन्हां नूं साधु दी संगत मिल गई दरगाह विच उन्हां पुरशां दी खलासी होई है। जिहड़े साधुआं तों बाहरे रहिंदे ने सतगुरु जी कहिंदे साध जनां ते बाहरी से रहन अकेलड़िया, तिन दुख न कबू उतरे से जम के बस पड़ी आ। जिहड़े साधु जनां दी दूर रहिंदे ने जां जिहड़े साधु जनां तों परे रहना पसंद करदे ने, सतगुरु जी कहिंदे ओह कल्ले ही रहिंदे ने, जम दे फंदे तों बच नहीं सकदे। सो जिन्हां महापुरशां दी तुसीं जाग भी जुड़ के बैठे हो, ये महान संपर्दा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दी चरणां विचों भाई दया सिंह जी दी संपर्दा है। सब तो पहला अस्थान दुआबे दी धरती ते संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जैन वाले, ये होती मरदान की संपर्दा का सब तो पहला स्थान बनिया तो संत बाबा हरनाम सिंह जी। उन्हों तो बाद संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले। उन्हों तो बाद जिनी होती मरदान की संपर्दा दुआबे विच नहीं माझे मालवे विच भी इन्हों महापुरशों की बख्शिश सदका ये संपर्दा बहुत वधी है। एक बारी संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ते संत बाबा हरनाम सिंह जी उस ही अस्थान ते बैठे सन जिथे अज महापुरशां दा ज्ञान अस्थान है। ते सत दिन दोए महापुरश बंदगी करदे रहे, कोई प्रशादा जां कोई वस्तु खाण वास्ते नहीं आई। सत दिन ना तो मंगण गए, मंगण जांदे ही नहीं सी, ते परमेश्वर दे आसरे ते बहिंदे सी। सत्तां दिनां बाद कोई छलियां चढ़ा गया पुरख। बाबा हरनाम सिंह जी महाराज कहण लगे, मस्ता अज परमेश्वर ने साडी सार लई आ, छलियां भुन ला चब लईए। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहण लगे, महाराज सत दिन छलियां भुजदियां नूं हो गए आ, आपां इसे तरह ही चब लईए। दोए महापुरश कच्चियां छलियां चब के फिर पाणी पी के बंदगी ते बैठ गए। ये उन्हां दे लाए हुए बूटे ने, उन्हां दे चरणां विचों शख्सीतां भरोसाईआं ने। होती मरदान की संपर्दा केवल तो केवल हिंदुस्तान विच नहीं, तकरीबन सारे विश्व के भाई दया सिंह जी की संपर्दा है। तो इस संपर्दा के बड़े बड़े महान योग पुरश होए ने। सो संत बाबा दलेर सिंह जी जिन्हों का जन्म नगर वे है, तुम सारे पंजाब में चले जाओ, तुहानू सारे ठंडा इलाका हुशियारपुर का खास तौर पर मालपुर की धरती मिलेगी। और जिन्हें महापुरश इस धरती से हुए है इन्ने सारे पंजाब में थानू नहीं मिलेंगे।
और जे किसी समय ते दुआबे दे विच बबर लहर चली है तां वी इस धरती ते चली है। इस दुआबे दी धरती नूं माण है, खास तौर ते इह धरती जिहड़ी है संत बाबा हरि सिंह जी कहारपुर वाले, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले, बड़े बड़े महान युग पुरश। इस धरती ते कोई पिंड ऐसा होगा जिस पिंड विच कोई महात्मा नहीं है? तकरीबन सारे ही पिंड कोई किसी धर्म नाल संबंधित है, कोई किसी धर्म नाल संबंधित है। सो ये धरती सारे पंजाब विचों इनू एक मात लोक का हिस्सा गिणिया। तुसी सारे पंजाब विच घूम के आओ, मालवे चले जाओ, माझे चले जाओ, जदों तुसी हुशियारपुर की धरती ते बढ़ोंगे तुहानू ठंड प्रतीत होगी, और जिन्हें दरख्त हरियाली तुहानू इस इलाके में दिसूगी कितें मिलेगी नहीं। सो इस करके उन्होंने महापुरशां नू श्रद्धा दे फुल भेट करन वास्ते दूर दूर तो महापुरश आए ने। सारिया ने समा लाना, मैं तो सुन के चले जाना सी, गुरमुखा ने समा दे दिता, क्योंकि महापुरशां दे शरीर जड़े ने ना ये सिर्फ संसार दे भले वास्ते, ये नहीं कि शरीर भी लग जाते। एक उत्तर प्रदेश के इलाके एक महात्मा हुए है, छोटी जी गल करके मैं समाप्ति कर देनी आ। वह महात्मा का नंद तीच मुनि सी, उन्हें बंदगी करद शिवजी महाराज ने उन्होंने एक तरसूल दे दिता। कहन लगे तरसूल जदों कभी राक्षस बढ़ जाएंगे देवत्या ते भारू होणगे, ये तरसूल उन्हें जिहड़े जिहड़े राक्षस नूं लाऊंगे राक्षस की मौत हो जूगी। वो महात्मा ने तरसूल लै लिया, तो जदों सरदाई रगड़नी सरदूल नूं तरसूल नूं विच रगड़ देना, रगड़दा रगड़िया तरसूल सारा ही खत्म हो गया। वो महापुरशां दे सरदाई दे राही अंदर चलिया गया। जदों समा बणिया देवत्या ते भारी आई, उन्होंने इकट्ठे होकर परमेश्वर की बंदगी की, तो उतों परमेश्वर निरंकार जी ने आवाज दिती कि मात लोक विच इक दतीच मुनि दे कोल साडा तरसूल पिया, वह तरसूल तुसी लै लो, जिहड़े भी राक्षस नूं लाऊंगे उहदी मौत हो जूगी। वह दतीच मुनि दे आश्रम से आए, कहण लगे महात्मा ये महाराज सानू तरसूल चाहिए जिहड़ा तुहानू शिवजी महाराज ने दिता। वह कहण लगे तरसूल तो असी सरदाई विच घोट के पी गए। उन्होंने फिर दोबारा परमेश्वर निरंकार को बेनती की, कहिंदे महाराज तरसूल तो है नहीं, वह महात्मा के अंदर चलिया गया। निरंकार जी कहन लगे जिस महात्मा के अंदर तरसूल चलिया गया ना, उस महात्मा दी हड्डियां लै लो, वो हड्डी जिहड़े शास्त्र नूं लाओगे वो शास्त्र जिस राक्षस ते लगूगा उहदी मौत हो जूगी। वो कहन लगे महाराज हड्डियां ठीक है जी। उह दतीच मुनि के कोल आए, कहिंदे महाराज आप अगे बेनती है, तुहाडे शरीर दीआं हड्डियां चाहीदीआं ने। वह महात्मा कहन लगे जी मेरे शरीर दीआं हड्डियां तुहाडे भले वास्ते काम आ जाण, ते मेरीआं हड्डियां हाजर ने। वह कहन लगे महाराज हड्डियां तुसीं तां देतीआं, साडे वास्ते बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, तुहाडीआं हड्डियां लवांगे किस तरहां? एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की हत्या कर दी है, तो सारे ब्रह्मंड के जिन्हें जीव 84 लाख के जीव पैदा किए ने सारे की हत्या कर दी है, एक बराबर पाप है। औरंगजेब ने उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी का एको ही शरीर लग्या, नहीं तो भावें सारे हिंदुस्तान को कतल कर दिता ता भी वह पाप बनना नहीं सी। दो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का कतल होया तो औरंगजेब का पुन खत्म हो गया। वो कहन लगे भाई तरीका असी तुहानू असी दस दें, तुसी साडियां हड्डियां लै लिओ, असी दसम द्वार सुवास चढ़ा लवेंगे, तो असी इदा समाधि ला के बैठ जाना, तुसी दही दे विच मसाले रला के साडे शरीर के उत्ते लाउंदे चले जाओ। उन्होंने फिर तुम गाइया छड़ दौ, वह गाइया साढ़े शरीर को चटी जाएगियाँ, वह गाय के जोड़े जीव होंगी उत्ते कंडे होंगे, वह कहें हौली हौली साडा मास उत्तों गाइया चट जाएगियाँ, थल्यों हड्डियां तुहाडी नज़री पै जाएगी, हड्डियां जिनी जिनी तुहानू चाहीदी होगी कट लो। वह महात्मा बैठ गए तो वह दही पाउण लग गए। उस तो बाद जिस वे हड्डियां नंगियां हुई तो महात्मा दी हड्डियां कट्टण वास्ते चलो देवते अगे होए, परमेश्वर निरंकार जी उत्थे प्रगट होए। उन्होंने कहा देखो ऐसे महात्मा ऐसे शरीर भी संसार विच आए ने जिहड़े अपनियां हड्डियां दे के भी संसार का भला करदे। सो ये महात्मा पुरश ये बंदगी साडे वास्ते ही करदे ने, कोई तां पुरश करे ही हुंदे ने। सतगुरु की बाणी लिखती है जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर सो लैन मलाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।